श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपी जन्मल्लभाय नमः, श्रीमदाचार्य चरण कमलभ्यो नमः, श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः, श्री यमुना चतुर्भ्याम नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 11। ओ श्री गुसाई जी, आप श्री गोकुल में श्री सुबोधनी जी की कथा कहते, सो सर्व वैष्णव श्री मुख की कथा सुनते। तामे दोई वैष्णव हते, सो उन वैष्णवन को एक दिन संदेह उपजियो। तब उन वैष्णवन ने श्री गुसाई जी से पूछियो, जो महाराज, हम आपके श्री मुख ने कथा सुनी, परी कछु समझ परी नाही, सो कहा कारण है जो हमारो संदेह निवृत हुई, या ठोर यह कैसे है। तब उन वैष्णवन से श्री गुसाई जी ने कहो, समझायो, उत्तर हु करियो, परी तो हु उन वैष्णवन को संदेह निवृत न भयो। तब उन वैष्णवन को श्री गुसाई जी आज्ञा करे, जो तुम कृष्ण भट्ट पास दो जन जाऊं, वे तिहारो संदेह निवृत करेंगे। तब दो वैष्णव श्री गुसाई जी की आज्ञा मांगी के कृष्ण भट्ट पास उज्जैन को चले, तो जाई पहुंचे। सो जा समय ये दो वैष्णव कृष्ण भट्ट के घर गए, ता समय कृष्ण भट्ट अपने श्री ठाकुर जी को राजभोग धरी तिबारी में बैठे पाठ करत हते। तहां सो कृष्ण भट्ट उठी के भेंटे, और कृष्ण भट्ट इन दो वैष्णवन को प्रभुन के पठाए जानी के अपने मन में बहुत प्रसन्न भये। पाछे इनसो कृष्ण भट्ट श्री कृष्ण स्मरण करी के इनको बैठा रहे। तब कृष्ण भट्ट ने अकस्मात एक श्लोक श्री भागवत को कहो, सो ता श्लोक को व्याख्यान आप ही ते उन दो वैष्णवन को देखी के कहो, ताको भाव कहो, सो सुनत ही उन वैष्णवन को संदेह निवृत भयो। भाव प्रकाश, या वार्ता में यह संदेह है जो श्री गुसाई जी के समझाए थे उन वैष्णवन को संदेह न गयो, और कृष्ण भट्ट के कहे थे संदेह निवृत भयो, ताको कारण कहा। तहा कहत हैं, जो वह कथा श्री भागवत दशम स्कंद वेणु गीत के प्रसंग की है, ताको श्लोक, बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशम वेजयंतीम च मालाम। सो या श्लोक को श्री गुसाई जी आप व्याख्यान किए, सो भगवत स्वरूप परक किए, परि उन वैष्णवन की तो श्री गुसाई जी के स्वरूप में आसक्ति है, ताते संतोष नाही भयो, सो संदेह रहो। तब श्री गुसाई जी उन वैष्णवन को कृष्ण भट्ट के पास भेजे, सो कृष्ण भट्ट अकस्मात या श्लोक को श्री गुसाई जी परक किए, सो कैसे, जो या श्लोक में उद्भव श्रृंगार को वर्णन है, सो उद्दीपन रूप है, सो कृष्ण भट्ट ने उद्दीपन भाव सो श्री गुसाई जी को स्वरूप निकी भांति वर्णन कियो। सो कृष्ण भट्ट के हृदय में श्री गुसाई जी आप विराजत हैं, साथ इन द्वारा श्री गुसाई जी आप उन वैष्णवन को अपनो अलौकिक स्वरूप जतायो, तब उन वैष्णवन को संदेह निवृत्त भयो। तब दो वैष्णव सुनी के अपने मन में बहुत प्रसन्न भये। पाछे कृष्ण भट्ट भोग सरावन मंदिर में गए, तो भोग सराई बीरा आरोगाई किवाड़ खोले, तब वे वैष्णव दर्शन करी बहुत प्रसन्न भये। पाछे कृष्ण भट्ट आरती करी श्री ठाकुर जी को अनुस्वर कराई के इन वैष्णवन को प्रसाद लिवाए। तब दो वैष्णव कृष्ण भट्ट को विनती करे, जो कृष्ण भट्ट जी, हम तो श्री गोकुल को जाएंगे। तब उन वैष्णवन सो कृष्ण भट्ट ने कहो, जो वैष्णव तुम आज ही आए और आज ही चलीवे को विचार करत हो। तब उन वैष्णवन ने कृष्ण भट्ट सो कही, जो हम जा कारण आए हते, सो कारण तो हमारो पूर्ण भयो। तब कृष्ण भट्ट ने उन वैष्णवन सो कहो, जो वह बात तुम हमसो कहो। तब उन वैष्णवन कृष्ण भट्ट आगे सर्व अपने समाचार विस्तार पूर्वक सो कहे। पाछे कृष्ण भट्ट उनसो विनती करी, दिन चारी उन वैष्णव उनको अपने पास राखे, तो उन वैष्णवन सो मिली के कृष्ण भट्ट वार्ता प्रसंग करते। तब वे वैष्णव बहुत प्रसन्न अपने मन में होते। पाछे वे वैष्णव कृष्ण भट्ट सो विदा मांगी के श्री गोकुल आई कछु दिन में श्री गुसाई जी को दंडवत करे। तब श्री गुसाई जी उन पर प्रसन्न हुई के यह वचन श्री मुक्ते प्रभु वा समय कहे, जो तुम्हारो संदेह निवृत्त भयो। पाछे वे दो वैष्णवन ने
साष्टांग दंडवत करीके कहियो, जो महाराज आपकी कृपा ते निवृत्त भयो, पाछे दो वैष्णव एकाग्र मनसो श्री गुसाई जी की कथा सुनिवे को आवते, ता पाछे अपनी कोटड़ी में दो जने जाई आपूस में वर्णन व कथा को करते, सो वे कृष्ण भट्ट श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते। वार्ता को सारांश यह है कि श्री गुसाई जी श्री गोकुल में श्री सुबोधनी जी की कथा नित्य करते और सर्व वैष्णव उनके श्रीमुख से कथा सुनते। उनमें दो वैष्णव को संदेह हुआ, तब श्री गुसाई जी ने उनको बहुत समझाया, पर उनका संदेह दूर नहीं हुआ। तब श्री गुसाई जी ने उन दोनों को आज्ञा करी कि तुम दोनों कृष्ण भट्ट के पास उज्जैन को जाओ, वे तुम्हारा संदेह दूर करेंगे। तब दोनों श्री गुसाई जी की आज्ञा से उज्जैन कृष्ण भट्ट के पास आए। तब कृष्ण भट्ट ने उन्हें देखते ही पहचान लिया कि इनको श्री ठाकुर जी ने ही भेजा है। तब वे प्रसन्न हुए और श्री कृष्ण स्मरण करके दोनों को बिठाए। तब अकस्मात उनके मुख से श्री भागवत का श्लोक निकला और वह श्लोक सुनते ही उसका भावार्थ सुनते ही दोनों का संदेह दूर हुआ। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि श्री गुसाई जी के समझाने से उन दोनों का संदेह नहीं गया और कृष्ण भट्ट के श्लोक कहने मात्र और समझाने मात्र से ही उनका संदेह दूर हो गया। यह कैसे हुआ? तो कहते हैं कि उनका भाव श्री गुसाई जी में अधिक था और श्री गुसाई जी ने उनको जो वेणु गीत के श्लोक का व्याख्यान बरहा पीड़म नटवर वपु किया था वह श्री ठाकुर जी के लिए किया, परंतु उनका भाव तो श्री ठाकुर जी से भी अधिक श्री गुसाई जी में था। और यही श्लोक जब कृष्ण भट्ट कहे तब कृष्ण भट्ट का भी श्री गुसाई जी में अधिक भाव था, तो कृष्ण भट्ट ने भी ये श्लोक श्री गुसाई जी के लिए किया और उसमें श्री गुसाई जी के स्वरूप का पूर्ण रूप से वर्णन किया, क्योंकि कृष्ण भट्ट के हृदय में श्री गुसाई जी विराजत हैं और इनके द्वारा श्री गुसाई जी अपना अलौकिक स्वरूप बताए। तब उन दोनों वैष्णवों का संदेह तत्काल दूर हुआ। फिर कृष्ण भट्ट ने उनको अपने घर श्री ठाकुर जी का महाप्रसाद लिवाया। फिर वे दोनों कृष्ण भट्ट को कहे कि अब हम गोकुल को जाएंगे। तब फिर कृष्ण भट्ट ने उन दोनों वैष्णवों को बड़े आग्रह से रोका और फिर आने का कारण पूछा। तब उन्होंने अपने आने का सर्व वृत्तांत सुनाया। फिर कृष्ण भट्ट ने कुछ दिन उनको वहीं रोका और रोज वार्ता प्रसंग करते। फिर वे दोनों श्री गोकुल आए, श्री गुसाई जी को दंडवत करी। तब श्री गुसाई जी ने पूछा कि अब आपका संदेह दूर हुआ? तब दोनों ने श्री गुसाई जी को साष्टांग दंडवत करी के कहा कि आपकी कृपा से हमारा संदेह अब दूर हुआ। फिर वे दोनों रोज श्री गुसाई जी की कथा सुनते और अपने घर जाके उसका वर्णन करते। सो वे कृष्ण भट्ट श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय थे। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी, गल तुलसा की माला सोहे भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे मुख बोले गोपाला, तन मन धन वैष्णव पर वारू गाँव श्री गिरधर लाला, आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूर दास नंद लाला, वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।